कल कठुआ के अंदर फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स के ऊपर डंडे बरसाए गए। उनका गुनाह यह था कि उनका वेतन पिछले 14-15 महीनों से उनको नहीं मिला था और वह अपने वेतन की रिलीज के लिए मांग कर रही थी। हम कड़ी मुजम्मत करते हैं सरकार के इस रवैये की, जहां आप महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं और उनको दौड़ा दौड़ा के जिस तरीके से आपने पीटा और हॉस्पिटलाइज हुई वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ना केवल कल का वाक्या बल्कि इसी तरह से आशा वर्कर्स जो है वो कई दिनों से सड़कों के ऊपर है। आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने वेतन के लिए, अपनी रेगुलराइजेशन के लिए सड़कों के ऊपर है। कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो पिछले 4 महीनों से सड़कों के ऊपर भूख हड़ताल कर रही है, कोई भी इनकी सुध लेने के लिए नहीं आ रहा है। और ये सरकार बड़े बड़े नारे देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती है, करोड़ों रुपया पब्लिसिटी के ऊपर खर्चा करती है, लेकिन जो हाल हमारी जम्मू की बेटियों का है, मैं कहना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आई ओपनर है। हम महबूबा जी भी एक महिला है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों ने कठुआ में महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ इनके जितने भी मुतालबे हैं उनका फौरन से पेशतर हल किया जाना चाहिए।